यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ। बीते कई दिनों से मौसम का मिजाज बदल रहा है, कभी गर्मी तो कभी बारिश हो रही है, जिसके कारण कई जगह जलभराव और चीजों के क्षतिग्रस्त होने का भी डर रहता है। वहीं मेरठ के सरधना में वाल्मीकि चौराहे पर एक ऐसा ही हादसा हो गया। बता दें कि यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को बारिश से बचने के लिए दुकानों के छज्जे के नीचे खड़ा होना जानलेवा साबित हो गया। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति उसके नीचे खड़ा हुआ, अचानक ऊपर से छज्जा गिर गया और बुजुर्ग मलबे में दब गए। जब तक लोगों ने निकाला, तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। हालांकि सुवजन बिना किसी पुलिस कार्यवाही के शव को ले गए। आपको बता दें कि सरधना के वाल्मीकि चौराहे पर मोहल्ला तगयान निवासी नितिन त्यागी की 3 दुकानें हैं। एक दुकान आरिफ ने किराए पर ले रखी है। आरिफ ने बताया कि मोहल्ला हरलालपुर निवासी 65 वर्षीय मोबिन उनसे रोजाना मिलने के लिए आते हैं। रविवार शाम भी वे दुकान पर आए तो कुछ देर बाद ही बारिश होने लगी तो वे रुक गए। जैसे ही बारिश धीमी हुई तो वे दुकान से बाहर निकलकर छज्जे के नीचे खड़े हो गए। अचानक छज्जा गिर गया और मोबिन मलबे में दब गए। आसपास के व्यापारी और अन्य लोग दौड़े और मलबा हटाना शुरू किया। नजदीक के चिकित्सक ने उनको मृत घोषित कर दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि छज्जा गिरने से बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इस मामले में किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है। आइए आपको दिखाते हैं वह वीडियो। साइकिल वाले पे भी इंटा आई है 2000 बराबर वाले जमाया निकल गया। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए फर्स्ट बाइट टीवी के साथ।